नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल एजुकेशन सपोर्ट में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2019 का, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मोर देन 35% 2020 में आने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पे कुछ जो 6 पॉइंट्स दिए इंपॉर्टेंट, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं जो 5 मार्क्स के वो ऑब्जेक्टिव्स है, तो कैसे आया ये GM1 M2 D2 वाला फॉर्मूला, ये तो आता ही आता है, मतलब इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आएगा ज़रूर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद MCQs आते हैं 5 मार्क्स के, तो मतलब 5 द मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स और 5 मार्क्स के MCQs आ गए आपको, और MCQs में ऑप्शन भी है, तो ये अच्छी बात है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, और नेक्स्ट है फिर 3, 4, 5, ये तो बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू जो 10 मार्क्स का आता है, और फिर आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए, जैसे ये ग्रेविटी वाला, ये भी आता ही आता है, और मेटल बॉल ऑफ 5 kg फॉल्स फ्रॉम हाइट 490, ये तो आता है, ठीक है, ये ऑलवेज आता है, इसका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये आप डायग्राम भी देख लीजिए कौन से आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं। और ये पॉइंट आंसर पोजीशन आउट ऑफ सोडियम 7। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं जो 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल क्वेश्चन मिलते हैं, 7 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से ऑप्शन है एनी 5 का, तो आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके देखते जाइए आगे का क्या सीन है, क्या हाल है, और देखते जाइए, ये देखिए। और मेरे ख्याल से ठीक है, अभी ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और हो गया इतना सा ही था। तो मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा, आपका पेपर अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ ये वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।